हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। मैं सुकंदर विश्वकर्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ लाइन क्लासेस में। हम लोग लगाएंगे अध्याय दो का 2.2 का छठवां क्वेश्चन दिया क्या है, 3x² - x - 4। तो क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई शून्यांक ज्ञात करना है इसका, और उसके बाद उसकी जाँच करनी है। तो दिया है 3x² - x - 4। ए और सी का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 = 12 हो जाता है। ए और सी का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ घटाने के चिन्ह दिया है, गुणा करने पर 12 है और घटाने पर 1 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1, यहाँ पर 1 ही होता है। ठीक है, दिया नहीं होता, तो हमने 4 - 3 दिया। यहाँ पर लिखेंगे 3x² - कोष्टक में लिखेंगे 4x - 3x कोष्टक बंद -4। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x² कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बार माइनस दिया है। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3x - 4। अब क्या करते हैं, जोड़ा बना देते हैं। जोड़ा बनाने के लिए इसका लेते हैं प्रयोग, 2 इसका और 2 इसका लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो दोनों में क्या क्या सेम दिख रहा है, x² दोनों में सेम दिख रहा है, यहाँ पर और कोई सेम नहीं दिख रहा, तो इसलिए x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4। इसमें कुछ सेम नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, हम 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4। अब क्या करते हैं हम, यह तो हमारा हो गया। अब एक कोष्टक में इसको लेते हैं, दोनों कोष्टक सेम दिखना चाहिए तभी हमारा सही जाकर होगा। तो इसीलिए हम एक कोष्टक में इसको लेंगे, एक कोष्टक में इसको, x + 1, और एक कोष्टक में 3x - 4। हमारा एक कोष्टक में यह आ गया और एक कोष्टक में इसको लेंगे, ये या दोनों को एक बार लिखेंगे और इसको बाद इसको, इसको। या हमारा हो गया x + 1 और 3x - 4। अब क्या करते हैं, शून्यांक ज्ञात करते हैं, लिखेंगे शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करने के लिए या दोनों को बराबर 0 कर देंगे, तो लिखेंगे x + 1 = 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दूसरे काम निकालते हैं, 3x - 4 = 0। अब यहाँ पर देखिए, यह किसमें माइनस में है तो इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और अब इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर x बराबर 4/3। यह हमारा शून्यांक ज्ञात हो गया, एक x का मान -1 और x का मान 4/3 आ गया। अब स्क्रीनशॉट लेना चैटन ले लीजिए। अब हम क्या कर लेते हैं, जांच चलिए कर लेते हैं। ये हमारे x का मान -1 दिया था और x का मान 4/3। अब हम क्या करते हैं, जांच करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जांच, देखिए इसको मानते हैं, या हमारा मान निकला था x बराबर -1 और x बराबर 4/3। स्किप ना करके पूरा वीडियो देखे करिए, क्योंकि समझ में आएगा आप लोगों को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए, x का मान क्या दिया है, x बराबर -1। तो हमने पहले इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो हमारा पहला होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब अल्फा हमारा पहला होता है, दूसरा बीटा, तो -1 / 4/3 -b/a। या जांच करने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा का योगफल करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 + 4/3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 1/3 लिख देते हैं। अब क्या लिखते हैं, एलसीएम लेकर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 × 3, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4।
अब हमारा यहाँ पर होगा माइनस तीन प्लस चार। अब यहाँ पर माइनस बी अपन ए कर लेते हैं। अब चलिए इसमें क्या होता है, घटा लेते हैं, जो माइनस अगर आगे है तो उसको घटाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि, पहले घटा लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि आंसर प्लस में है कि कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस की माइनस। प्लस हमारी बड़े तो प्लस में आंसर, माइनस बड़ी आएगी तो माइनस में आंसर। यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी अपान ए, माइनस बी का मान क्या होगा एक और ए का मान तीन हो गया। अब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा हमारा होता है, हमने अभी बताया कि पहले को अल्फा मान लें दूसरे को बीटा मान लें, तो यहाँ पर माइनस एक मल्टीप्लाई चार बटे तीन बराबर सी अपन ए। यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते तो माइनस चार बटे के तीन हो गया बराबर सी अपन ए। अब देखिए हमारा सी का मान क्या निकल गया, माइनस चार, और ए का मान तीन हो गया। अब हमारी क्या हो गई, जांच हो गई। कैसे, देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी, या बता रहे हैं जांच करने के लिए, पता कर लीजिएगा कैसे, या तो जांच हो गया, हम बता रहे हैं कि समझ में आए आप लोगों को। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का बी माइनस बी का क्या मान है, देखो यहाँ पर माइनस है तो इधर जाएगा, माइनस बी बराबर एक है तो इस साइड माइनस जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस एक। बी बराबर क्या होता है, माइनस एक होता है, और ए का मान क्या है तीन, तीन एक्स स्क्वायर। बी का मान हमने बताया बी या माइनस इधर हो जाएगा तो बी बराबर माइनस एक, तो यहाँ पर कोष्टक में माइनस एक एक्स प्लस सी का मान माइनस चार। यहाँ पर हो जाएगा तीन एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस चार। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था यही था ना, तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार, तो हमें ऐसे क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ये हमारा जांच हो गया, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले, यह समझाने के लिए बताया गया, ठीक है।